नमस्ते दोस्तों, मैं जाहिदुल दीवान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। आज हम एमए हिंदी एंट्रेंस की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे उस पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच ने 12 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में बताया गया है कि 2019-20 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस होगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन किस प्रकार होगा इन सब बातों को मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो एमफिल पीएचडी है वो पहले जो सिस्टम जेएनयू में था कि 70 मार्क का रिटेन होता था और 30 मार्क का वाइवा होता था, अब रिटेन तो होगा नहीं, तो 70 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस और 30 मार्क जो है वो वाइवा बॉस का होगा। और इसमें जो बताया गया है कि द सिलेक्शन फॉर बी एम एम एस सी एम टेक प्रोग्राम्स वुड बी बेस्ड स्लोली ऑन द एम सी क्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100% वोटेज। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया है, ये जो टेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी, गवर्नमेंट के जो टेस्ट के लिए जो गवर्नमेंट भारत सरकार ने जो टेस्टिंग एजेंसी बनाया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जेएनयू एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो काफ़ी जो है वो फेयर होने वाला है, काफ़ी मजबूत एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बहुत और इसमें जो गोपनीयता है और इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये बहुत हद तक और जो दूसरी जगह ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उसकी तुलना में काफ़ी मजबूत एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो ये एक प्री जानकारी थी आपके लिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जेएनयू अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कराएगी। तो इससे पहले कि मैं एमए हिंदी की तैयारी के बारे में आपको बताऊं कि एमए हिंदी की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे, उससे पहले मैं आपको जेएनयू के सिलेबस जो कि पहले मैंने आपको बता भी था कि जेएनयू के सिलेबस किस तरह का है और सारा क्वेश्चन जो है वो मूलतः जेएनयू एंट्रेंस का जो क्वेश्चंस है वो अधिकतर एमए एंट्रेंस के बेसिस पर ही आता है। तो मैं आपको इसमें एक बार फिर से सिलेबस की ओर ले जाना चाहूँगा, इसमें शायद एमए हिंदी ड्यू, एमए हिंदी एचयू, बीए हिंदी ड्यू, हिंदी सिलेबस जेएनयू, ठीक है, इसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर ये सब। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको धीरे धीरे पॉज करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि आप इसको अच्छे से ग्रैप नहीं कर पा रहे थे, तो मैं बहुत धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ करता हूँ ताकि आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से मैं पॉज कर रहा हूँ, इसको पॉज करके मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से, हालांकि बहुत लंबा है और इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा और तेज़ी से करता हूँ। 62 पेज का सिलेबस है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये कंपटीटिव इटरेशन, तो ये एम फिल का अभी चल रहा है, एम ए का सिलेबस कहाँ से शुरू होगा मैं आपको बताता हूँ। हिंदी भाषा का उद्योग विकास यहाँ से एम ए का, भारतीय भाषा यहाँ से होगा, हाँ हिंदी भाषा का उद्योग और विकास यहाँ से शुरू होगा एम ए का सिलेबस, ठीक है। ये और इसको अनुमोदित ग्रंथ से लेकर आप इसको मैं पूरी तरह से ठीक है,
ये कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से ऐसे करूँगा तो आप देखिए, आधुनिक हिंदी कविता क्या क्या पेपर पढ़ना है इसमें, देखिए मध्यकालीन हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, फिर संस्कृत काव्य शास्त्र, ये पूरा ठीक है, कॉन्टेम्पोरेरी हिंदी पोएट्री, आधुनिक पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, हिंदी आलोचना, आलोचक और आलोचना, साहित्य और विचारधारा, हिंदी नाटक और रंगमंच, प्रेमचंद, पटेल संस्था, प्रेमचंद, और वैकल्पिक ऑप्शनल है, ऑप्शनल में हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर ऑप्शनल में आप पढ़ सकते हैं, फिर आधुनिक हिंदी कविता, फिर उसको भी आप ऑप्शनल ले सकते हैं, व्यावहारिक हिंदी, फिक्शन हिंदी सिलेक्टेड, इसको भी आधुनिक हिंदी गद्य, इन सबको, हिंदी उपकरण, हिंदी उपकरण, ये आदमी नामा, हिंदी दलित साहित्य, और हिंदी स्त्री साहित्य, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने पढ़ा अभी कि कई सारे चीज़ें, तो जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें मूल रूप से किन किन विषयों से क्वेश्चन आता है एमए में, वो आपको मैं बताता हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ जिसमें इसमें कहा गया है कि हिंदी स्त्री साहित्य, मतलब स्त्री मुद्दों को लेकर लिखने वाली जो लेखिकाएँ हैं, जैसे मोनू बंडरी है, फिर जैसे कृष्णा सोपती है, फिर मैत्री पुष्पा है, इस तरह के जो लेखिकाएँ हैं, इस तरह की लेखिकाएँ जो लिखा मृदुला गर्ग है, ठीक है, इस तरह के जो लेखिकाएँ जो लिखते हैं, जो स्त्री जीवन पर केंद्रित करके लिखते हैं, आपको उन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन ही भले ही सही लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। दलित साहित्य में आप कह सकते हैं कि जैसे मुर्दहिया है, मतलब दलित आत्मकथाएँ है, दलित कहानियाँ है, दलित कविताएँ हैं, जिसमें आप तुलसीराम को पढ़ सकते हैं, शिवराज सिंह बेचैन, फिर और भी बहुत सारे दलित लेखक, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इन सब राइटरों को आप पढ़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की चांस है। ओम प्रकाश वाल्मीकि से काफ़ी कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आते रहते हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आधुनिक कविता है, आधुनिक कविता, मध्यकालीन कविता, आदिकालीन कविता, हिंदी साहित्य का जैसे भाग है ना, इसमें उस भाग को आपको समझना जरूरी है। हिंदी साहित्य का जो आदि जो इतिहास है, जेएनयू एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा एमए की तैयारी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तरह तरह के हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और कई सफल विद्यार्थियों से बात करने के बाद मुझे ये क्योंकि मैंने यहाँ से एमए नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ क्या वो सच है कि नहीं,
तो मैंने इसलिए कुछ सफल विद्यार्थियों से बात की कि भाई आप बताइए कि आपने जो है सफलता हासिल की तो उसके पीछे क्या क्या कौन कौन सी पुस्तक आपने पढ़ के तैयारी की थी। तो सबसे पहले जो जिस किताब का नाम आता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास आपको शुरू से लेकर अंत तक एक एक लाइन अच्छे से पढ़ जाना है, तभी आपको जेएनयू एंट्रेंस, ये एक बेसिक किताब है जिसको कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बिना आप जेएनयू की एंट्रेंस तैयारी पूरी आपकी नहीं होगी। फिर एक किताब हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित किताब है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी की एक किताब है, ये भी बहुत ही अच्छी किताब है, मतलब किताब वैसे भी अच्छी है और जेएनयू की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी किताब है, आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किताब इतिहास की का ही किताब है की किताब है, आपको इस किताब को पढ़नी होगी। उसके बाद आप डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास को भी पढ़ सकते हैं, इतिहास के ग्रंथों के रूप में आप डॉक्टर नागेंद्र की किताब को पढ़ सकते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास, और आप पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर और बेहतर ढंग से आप बहुत आसानी से आसान शब्दों में आप समझना चाहते तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी के इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की इतिहास के किताबों को पढ़ के आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और इन सब किताबों को पढ़ के आप नोट्स तैयार करिए। बहुत सारे नोट्स मिलते भी है, ऑर्डिनरी नोट्स भी मिलते हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग भी इस दिशा में आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप अगर खुद पढ़ के कुछ नोट्स बनाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ये मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, ग्रंथों के बारे में बताया, लेकिन कुछ किताबें, कुछ क्वेश्चंस आपके काव्य शास्त्र से भी आता है, कुछ क्वेश्चन आपके आलोचना भी से भी आता है, कुछ क्वेश्चंस आपके कविताओं से संबंधित भी आता है, तो इसीलिए आपको तरह तरह की और भी बाहरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। जिसमें आलोचना की आप कहें तो मैनेजर पांडे की जो किताब है भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आता है और उसको समझ के आपको समझ काफ़ी विकसित आप कर सकते हैं। जैसे जायसी, तुलसी और सूरदास को आप बहुत बेहतर से समझ सकते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल की किताबों को आपको पढ़नी चाहिए, जिसमें उसमें सबसे ज़्यादा मदद करने वाली किताबों से एक त्रिवेणी है, त्रिवेणी आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद नामवर सिंह को काफ़ी यहाँ पे पढ़ना और पढ़ाया जाता है और काफ़ी लोग नामवर सिंह के विचारों से प्रभावित रहते हैं, तो आधुनिक कविता को समझने के लिए उनकी नई कविता के प्रतिमान आप पढ़ सकते हैं, छायावाद को समझने के लिए नामवर सिंह की छायावाद को आप पढ़ सकते हैं, इस तरह की किताबें आपको पढ़नी होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंधों को आप पढ़ सकते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो जिसको कि आप कबीर जिस ग्रंथ का नाम है उसको आपको पढ़ना ही चाहिए। कबीर ग्रंथ के माध्यम से बहुत बार क्वेश्चंस आता है, ऐसे कबीर के संदर्भ में आप पुरुषोत्तम अग्रवाल भी जेएनयू के एक प्रोफेसर रहे हैं, तो उनकी किताब है अखत कहानी प्रेम की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। काव्यशास्त्र की किताब में अगर देखा जाए कि भारतीय, अगर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो देवेंद्रनाथ शर्मा की किताब जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आप भगीरथ मिश्र की किताब काव्यशास्त्र पर जो किताब है उसको आप पढ़ सकते हैं, और काव्यशास्त्र के कॉन्सेप्ट को अच्छे क्लियर करने के लिए आप कुछ इंग्लिश के अंग्रेजी की किताब भी आप पढ़ सकते हैं, और आधुनिक कविताओं से संबंधित अगर देखा जाए कि आधुनिक कवियों को किन किन कवियों को आप पढ़ेंगे तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो कवि जेएनयू में सबसे ज़्यादा जिन कवियों के मिजाज का महत्व दिया जाता है उनमें से त्रिलोचन, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह को जेएनयू में बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है और काफ़ी पढ़ाया जाता है, उस पर काफ़ी चर्चाएँ होती रहती है, तो इन कवियों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए।
अगर उपन्यासों की बात करें, उपन्यासकारों की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों को पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, मतलब उस पर ध्यान दिया जाता है। प्रेमचंद तो बेसिक उपन्यासकार है ही हमारे प्रेमचंद, और प्रेमचंद का आपको पढ़ना चाहिए और श्रीलाल शुक्ल को पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ जो आधुनिक समय के जो नौकर की कमी, किसने लिखा था मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा इस चीज़ को, जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो कुछ उपन्यासकार है उनके उनके उपन्यासों को आपको पढ़ना चाहिए। और उपन्यासों को बहुत अच्छे से समझने के लिए गोपाल राय की जो किताब है उसको आप ज़रूर पढ़िए, हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय। गोपाल राय को उपन्यासों के संदर्भ में अगर पढ़ेंगे तो उतना ही पर्याप्त है, और किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप कहानी की बात करें तो मधुरेश ने कहानी पर बहुत काम किया है, हिंदी कहानी का इतिहास, और शायद और कई किताब है मधुरेश की, और मधुरेश कहानी से संबंधित मधुरेश की किताबों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो आप उस पर आप देख सकते हैं। और आधुनिक कविता की और बात करें तो 60 के दशक के बाद की जो कवि है उनको भी पढ़ाया जाता है, जो समसामयिक विषय की जो जो लेखक लेखिकाएँ हैं उनमें से अगर किसी की अगर आप बात करें तो मैत्री पुष्पा की चर्चा काफ़ी यहाँ होती है, मृदुला गर्ग और मृदुला गर्ग और ये चित्रा मुद्गल, इन सब लेखिकाओं की बहुत चर्चा जेन में होती है, तो आप इनकी रचना को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो शुरू से अगर आप देखते हैं तो सिद्ध साहित्य पर क्वेश्चन आता है, सिद्ध साहित्य पर काफ़ी क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। फिर अपभ्रंश पर जो नामवर सिंह का काफ़ी काम है उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर भक्तिकाल पर, भक्तिकाल के कवियों में आप देखें सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पे कबीर को दिया जाता है, और कबीर के बाद अगर महत्वपूर्ण कवि की कोई है तो मीरा की बहुत महत्व है। रीतिकाल पर बहुत कम प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है जेएनयू में, बहुत ही कम प्रश्न रीतिकाल पर पूछा जाता है, लेकिन इस बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है तो हो सकता है कि रीतिकाल पर भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो मूल रूप से जो इस एमए की तैयारी के लिए जो इन बातों को मैंने आपको बताया उनमें से मूल बात यही है कि हिंदी साहित्य के जितने तरह के इतिहास आपको मिलता है सारे इतिहास आपको पढ़ जाना चाहिए, काव्यशास्त्र की बहुत अच्छी किताबें पढ़ जानी चाहिए, और उपन्यासों से संबंधित किताबें पढ़ जानी चाहिए, और कहानी से संबंधित कुछ अच्छी किताबें जैसे मैंने उपन्यास से संबंधित गोपाल राय की किताब पढ़ने के लिए आपको कहा है, और मधुरेश की किताबें आपको कहानी के संदर्भ में पढ़ने के लिए कहा है। कविता के लिए आप मध्यकालीन कविता के लिए मैनेजर पांडे को पढ़ें, और आधुनिक कविता के लिए नामवर सिंह को पढ़ें, तो इन सब चीज़ों से आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होगा, और जेएनयू एंट्रेंस के लिए आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जो किस तरह के क्वेश्चन पहले आता था, तो कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे पास रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए देखिए मैंने बोला था कि हिंदी साहित्य के विकास में भक्तिकाल के दौर विभिन्न, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में महावीर प्रसाद द्विवेदी और सूर्यकांत त्रिपाठी, ऐसा निराला का जो है काफ़ी इसमें निराला के बारे में भी काफ़ी चर्चा जेएनयू में होती रहती है, ठीक है। तो इसमें विधागत क्वेश्चंस बहुत आया है, देखिए विधा के ऊपर क्वेश्चन, देखिए नाटक, ठीक है, आलोचना, हाँ, रामविलास शर्मा आलोचक के रूप में रामविलास शर्मा की चर्चा हमेशा यहाँ पे होती है, क्योंकि जेएनयू एक कम्युनिस्ट विचारधारा की यूनिवर्सिटी है, तो रामविलास शर्मा की। फिर ये देखिए कहानी के उद्भव विकास, ठीक है, आज़ादी के बाद की हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषता है बताइए। तो इस तरह की देखिए मैंने बोला था कि नागार्जुन के नागार्जुन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर प्रेमचंद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो मूर्धन्य साहित्यकार है हिंदी साहित्य के, उनके ऊपर ही केदारनाथ सिंह, देखिए मैनेजर पांडे जिनका जिनका नाम लिया, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब मैत्री पुष्पम, ठीक है, जिन लोगों का मैंने नाम लिया अधिकतर लोगों का इसमें आया है। देखिए ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर से साधारणीकरण पर प्रश्न पूछा गया, ठीक है, 12 मसा कवि समय,
हिंदी दलित साहित्य, जैसे मैंने कहा था आदिवासी साहित्य, हाँ आदिवासी चर्चा साहित्य की चर्चा मैंने नहीं की थी क्योंकि आदिवासी साहित्य पर भी प्रश्न कहा जाता है, ठीक है, और इस बार भी पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य की स्त्रीवादी लेखन जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है, तो ये आता है देखिए, और ये व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इस बार व्याख्या भी आएंगे लेकिन इसकी इसके स्वरूप जो है कुछ और हो सकता है। फिर देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये 2015 का क्वेश्चन था। अब ये देखिए ये हो गया आपका 2016 का क्वेश्चन, ठीक है, साहित्य क्या है, ये एक विचारात्मक प्रश्न पूछा गया है, मतलब तो आपकी समझ के आधार पर, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काव्य का महत्व, ठीक है, ये महत्व के बारे में पूछा गया, भक्ति काल से क्वेश्चन आए गए हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की मूलभूत विशेषता, ठीक है, इस बार क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, तो इसमें राष्ट्र काव्य पर भी पूछा गया है, ठीक है, भारतेंदु काल पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतेंदु काल क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट के अलावा जो व्यावहारिक क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद का जो योगदान है उस पर क्वेश्चन आता है, जैसे सायाबाद और प्रगतिशील आंदोलन का साहित्यिक महत्व क्या है, ठीक है, इस तरह के साहित्यिक महत्व के आधार पर भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, अमृता नागर, भीष्म साहनी, रामदर्श मिश्र, कुमार जीव, ठीक है, गुरु जी की खेती, ठीक है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की वो है रचना है, फांस एक उपन्यास है जो हाल ही में प्रकाशित हुआ था, संजीव इसका लेखक है, झूठा देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लेखक है, उस पर क्वेश्चन आया है, और कविताओं की पंक्ति दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो भी इसी टाइप से आपको टेक्स्ट दिया जाएगा और टेक्स्ट के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि नेट में पूछा जाता है। तो और ये देखिए 2017 का क्वेश्चन पेपर देखिए इसमें क्या किस तरह का आया है, ये देखिए खड़ी बोली के विकास में दक्षिणी हिंदी साहित्य की भूमिका पर विचार करिए, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक टीचर है जिनका नाम नहीं लूँगा, वो पर्टिकुलरली इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है किस व्यक्ति ने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य में आमिर खुसरो की महत्व, तो इस तरह के जो मुख्य जो लेखक है हिंदी साहित्य के उस पर भी आपको अलग से फोकस रखना चाहिए। अच्छा क्या भक्ति काव्य संवेदना, ठीक है, इस तरह का जो आपके जिस तरह के क्वेश्चन जो आप अपने चिंतन को का इस्तेमाल करके उसको करेंगे उस पर भी दिया गया है, ठीक है। रीतिकाल की सामान्य विशेषता, रीतिकाल पर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए पूछा भी जाता है, ठीक है। मध्यशन गुप्त के बाद में नवजागरण, ठीक है, प्रसाद के आवादेश, तो इस तरह के देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन इसमें हैं कि दो पट्टी पर नहीं लिखी नाटककार प्रसाद उपन्यासकार अज्ञा आलोचक मुक्तिबोध, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मुक्तिबोध का जो है एक साहित्यिक डायरी उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे मुक्तिबोध को एक आलोचक के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरह की बातें आपको मैंने बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि जिन बातों को शुरू से लेकर अंत तक मैंने बताया है अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो JNUEE एंट्रेंस आपको बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और समय समय पर और भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तब तक फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को और इन वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों पर शेयर करिए, मेरे पॉपुलर एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक हमारा जो ये प्रयास है इस प्रयास के बारे में बताइए। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे, शुक्रिया, जय हिंद।